हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है मीठी मठरी, और ये मठरी की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना तो ज़रूर बनता है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और एक लाइक जाते जाते ज़रूर से चिपका जाना। और चलिए फिर इन मीठी मठरी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मीठी मठरी बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। ये मैदा है, और आधा किलो मैदा है, और ये बेकिंग पाउडर है, और इसमें देसी घी डाल दिया है। और चाशनी बनाएंगे, एक तार की चाशनी बनेगी। आप चीनी बनाओ, खांड में बनाओ, आपकी अपनी मर्जी है। और जो ये मीठी मठरी है ना, ये आप घी में बनाओगे यानी देसी घी में बनाओगे ना, तो बहुत टेस्टी बनेगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो, देसी घी में बना सकते हो। बस इसमें मोइन जो डलेगा ना, वो देसी घी का डलेगा, बस वो ध्यान रखना है। और ये चाशनी मैंने बनी रख दी है, इसमें 2 गिलास भर के मैंने चीनी डाली है और 1 गिलास पानी डाला है। सीधा सा फंडा ये है कि आप मान लीजिए 1 किलो चीनी डाल रहे हो तो आधा लीटर इसमें पानी जाएगा। और इसकी एक तार की चाशनी बना ली। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये आधा किलो मैदा है तो इसमें घी कितना जाएगा मैं अभी बताती हूँ। जब आप घी को या ऑयल को मिक्स करेंगे ना, तो मिक्स करने के बाद जब आप ऐसे करोगे ना, तो ये ऐसे लड्डू जैसा बन जाना चाहिए, इतना मोइन होना चाहिए इसमें, तभी ये जो मीठी मठरी है टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो है बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। आधी चम्मच ये डलेगा इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिक्स करना है, और एक टाइट डो बनाना है। अब ये देखो, ये ऐसा डो हो जाना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा घी लगा के थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा डाली है, और इसमें घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक स्लरी बनाएंगे। इसका कहाँ यूज होगा वो आगे मैं बताऊंगी आपको। तो इसमें घी मिला लेती हूँ मैं। अब ये ऐसी एक पेस्ट टाइप ये बन जाएगा, और अभी मैं बताऊंगी इसका क्या यूज होगा। अब आटे को देख लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब क्या करना है, ऐसे लोई बना लेनी है, जैसे रोटी की बनाते हैं ना, ऐसे लोई बना लेंगे। 3-4 लोइयां बना के रख लेंगे। अब इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। क्या करना है, ये जो हमने स्लरी बनाई थी ये इसके ऊपर लगाएंगे। और एक रोटी इसके ऊपर रखेंगे। अब दोबारा से स्लरी लगाएंगे, फिर दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, फिर से स्लरी, और फिर चौथे वाली रोटी। अब इसको फोल्ड कर देंगे। अब ऐसे ये फोल्ड कर लेना है। अब आपने कितनी बड़ी मठरी बनानी है उसके अकॉर्डिंग इसको काट लेना है। बारीक छोटी छोटी लोइयों, लोई जैसे बनाते हैं ना, उतना काट लेंगे। ये देखो,
अब इनको रख देंगे एक साइड में। अब ये देखो ये लेयर इसके अंदर आ गई है। अब हमने ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे रख के और फिर बेलनी है। ये जैसे छोटी पूरी बनाते हैं ना ऐसे, ये देखो ये ऐसे बन जाएंगी। आप इसको कितना बड़ा कर सकते हो, कितना छोटा कर सकते हो। ये मैं सारी बना लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। और बहुत ज्यादा गर्म में नहीं डालनी है ये। और एक एक मठरी इसमें डालते जाना और ये फूल के अपने आप ऊपर आ जाएंगी। गैस जो है वो मीडियम पे है। अब ये कलर चेंज हो गया है तो इनको ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और ये चाशनी बनके होगी रेडी। ये एक तार की चाशनी है, ये देखो दिखाती हूँ मैं। जब लास्ट की ड्रॉप डले ना तो उसमें एक तार बनना चाहिए। ये देखो तो गैस को कर देंगे बंद और चाशनी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आप फूड कलर भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। मैं इसको बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। अब एक एक मठरी लेंगे और इसमें डीप करेंगे। डुबो के नहीं रखनी है, बस एक बार डीप की और इनको निकाल लिया। अब ये देखो ये सारी मैंने बना ली है और पूरे में चाशनी भी डाल दी है। अब थोड़ी ठंडी हो जाए और फिर मैं दिखाती हूँ इनको। बहुत ही ज़्यादा मस्त बनती है ये, और जैसे जलेबी का टेस्ट होता है ना ऐसा टेस्ट बन जाता है इनका। सो गाइस जी ये ज़रूर से बना के देखना, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है। और ये थोड़ी ठंडी हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ। और ये सारी जो मीठी मट्ठी है वो बन के होगी है रेडी, और मैं दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखो तो ये जो मीठी मट्ठी है ये है ना, मेरे तरीके से बना के देखना, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है। और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं जाने वाला इसमें, बहुत लेट भी नहीं बनती हैं ये, जल्दी बन जाती हैं और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है, ये जो बहुत ही खूबसूरत सी मीठी मठरी हैं ये ट्राई करनी है। चल देन, टेक केयर, बाय बाय।